हाई एवरीवन, इट्स डॉक्टर पल्लवी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा मेडिकेशन जो टिक एंड फ्ली के लिए एक्सट्रीमली इफेक्टिव है और 100% इफेक्टिव है। तो इस सॉल्यूशन का नाम है RIDD, मतलब रिड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने शायद इसका नाम नहीं भी सुना है। तो आज मैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या कॉशन आपको लेनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली ये वीडियो को, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस्तेमाल, रिड का जो सॉल्यूशन है वो ड्रॉप्स में आता है, यूजुअली 60 ml का बॉटल में आता है। एंड ये इसमें एमिट्राज होता है और ये एक बहुत ही पोटेंट एक्टोपैरासिटिसाइडल है। नाउ रिड का जो सॉल्यूशन है उसको इस्तेमाल करने से पहले, सबसे पहले आपको अपने डॉग का, अगर वो लॉन्ग हेयर है उसका या तो फिर शॉर्ट हेयर है, उसको अच्छे से ट्रिम करना पड़ेगा। और प्रिफेरेबली अगर आप थोड़ा सा शेव भी कर सके तो ठीक है, लेकिन ट्रिम ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अच्छे से किसी एंटी टिक एंड फ्ली शैम्पू से आप अपने डॉग को नहलाइए, फिर उसके बाद टॉवल से अच्छे से उसको सुखा लीजिए। नाउ रिड का सॉल्यूशन इस्तेमाल करने पड़ेगा आफ्टर बाथ। तो इसको सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में 2 ml, अगर वो टिक एंड फ्ली इन्फेस्टेड है आपका डॉग, 2 ml का रिड सॉल्यूशन देना पड़ेगा एंड देन उसको मिक्स करना पड़ेगा। दैट इज़ द डाइल्यूशन रेट, मतलब 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर इन केस ऑफ टिक एंड फ्ली इन्फेस्टेशन एंड 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर इन केस ऑफ मेंज इन्फेस्टेशन। मेंज मतलब जो हम लोग का माइट इन्फेस्टेशन होता है डॉग्स में, उस इन दैट केस। नाउ प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के साथ इस पर्टिकुलर दवाई को आप ज़रूर खरीदें, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नॉर्मल केस में इसका इस्तेमाल मत करें। नाउ कॉशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो डॉग्स है, पपीज है, बिलो 4 मंथ ऑफ एज रिड का इस्तेमाल मत कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही पोटेंट सॉल्यूशन है। बाकी जो एडल्ट डॉग्स है रिड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। पानी का जो सॉल्यूशन है वो आँखों में, मुंह के अंदर या तो फिर नाक के अंदर जाने मत, इवन कान के अंदर जाने मत दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्प्रेयर, जैसे सैनिटाइज़र होता है, ठीक उसी तरह से आप स्प्रेयर ले सकते हैं। उसमें आप डाइल्यूशन के डोजेस के हिसाब से डाइल्यूशन बना के आप बॉडी में स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करने के बाद उसको कुछ दिनों तक के लिए, एटलीस्ट 24 आवर्स, उसको नहलाइए मत। आफ्टर दैट आप उसको नहला भी सकते हैं, लेकिन एवरी वीक आपको कम से कम 2-3 बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा इन केस ऑफ हैवी इन्फेस्टेशन, ओनली इन केस ऑफ हैवी इन्फेस्टेशन। नाउ रिड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हैवी इन्फेस्टेशन में किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर टिक एंड फ्ली फैल गया है बॉडी में, ऐसी हालत में आप रिड का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज रिड का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 100% इफेक्टिव है। बच्चों से रिड को दूर रखा कीजिए, डॉग्स को भी इसको कंज्यूम करना मना है, मतलब इससे टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। ऑब्वियसली कोई शैम्पू भी गलती से अगर डॉग के पेट के अंदर चला गया तब तो डेफिनेटली उसको पेट में प्रॉब्लम होने वाली है ही, तो रिड का भी ऐसा है, लेकिन ये थोड़ा सा टॉक्सिक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉशन लेना पड़ेगा। मैं आपको एक रेकमेंड करना चाहती हूँ कि जब भी आप रिड का इस्तेमाल करें तो आप डॉक्टर से प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन लेके रिड को खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। तो ये है एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं अगेंस्ट टिक एंड फ्ली, और ये जनरल पर्पस इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक आज पहुंचाना चाहती थी। तो इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के बीच में आऊँगी, लेकिन आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे बड़ी बात है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन दबाना है।